किस माई के लाल में जरूरत है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें? इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या है? ये तो वन वर्सेस रेस्ट है, इमरान खान है मुकाबले में, ये सारे जोकर इकट्ठे हुए हैं। तो क्या पाकिस्तान में आप वन पार्टी सिस्टम बनाना चाहते हैं? कि इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ ये कि जानबदार है, ना सिर्फ ये कि ये मिला हुआ है, बल्कि इंतहाई ना अहल लोगों पर भी मुश्तमिल है, और इसीलिए ये फैसला जो आया है ये भी इसी ना अहली और जानबदारी का नतीजा है। किस माई के लाल में जरूरत है इमरान खान को ना अहल करे? हुकूमत तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग को लेकर पागल हो चुकी है। फवाद चौधरी के वफाकी हुकूमत पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले, कहा तहरीक इंसाफ के मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे ऑफिस के मामलात के लिए आए, हमारे 13 अकाउंट्स में 2 करोड़ रुपए आए, तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन को दी। ममनुआ फंडिंग का फैसला आशूरा मुहर्रम के फौरन बाद अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। 25 मई को PGI कारकुनों पर होने वाले तशद्दुद की तहकीकात के लिए JIT बना रहे हैं। उम्मीद है राणा सनाउल्ला, अतः तारड़ और मलिक अहमद खान उस JIT से ताबुन करेंगे। नून लीग बताए उसको फंड्स कहां से आए? राणा सनाउल्ला बड़ी बड़ी बातें ना करें, क्या वो थाना कोसार के SHO हैं? मॉडल टाउन केस पर पंजाब हुकूमत आगे बढ़ेगी। पीपल्स पार्टी ने अपनी फंडिंग की जो तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराई उनके दस्तावेजी सबूत जमा नहीं कराए। 2012 में आपकी फंडिंग कम्प्लीट हुई तो 2013 में